प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छता अभियान में किया श्रमदान। पीएम के आह्वान पर आज देश भर में व्यापक स्तर पर चलाया जा रहा है स्वच्छता अभियान। पीएम ने दिया संदेश, कहा देश स्वच्छता पर केंद्रित कर रहा है ध्यान। स्वच्छता अभियान में जुट रहे हैं दिग्गज। गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई केंद्रीय मंत्रियों और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने स्वच्छता अभियान में लिया हिस्सा। प्रधानमंत्री आज तेलंगाना में 13,500 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास और उद्घाटन। नागपुर से विजयवाड़ा आर्थिक गलियारा समेत कई प्रमुख सड़क परियोजनाओं की रखेंगे आधारशिला। पीएम मोदी महबूब नगर में एक जनसभा को भी करेंगे संबोधित। निर्वाचन आयोग ने राजस्थान में आगामी विधानसभा चुनाव से संबंधित तैयारियों की समीक्षा की, कहा स्वतंत्र निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव के लिए आयोग प्रतिबद्ध। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा लेखा विभाग दिवस पर कार्यक्रम को किया संबोधित, कहा रक्षा क्षेत्र में उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करना जरूरी। अमेरिका में शटडाउन का खतरा टला, दोनों सदनों ने अस्थायी फंडिंग बिल को दी मंजूरी। बिल में सरकारी फंडिंग को 45 दिनों तक चालू रखने की बात कही गई। उन्नीसवे एशियाई खेलों में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी, निशानेबाजी के ट्रैप स्पर्धा में पुरुष टीम ने जीता स्वर्ण, महिला टीम को मिला रजत। गोल्फ में अदिति अशोक रजत जीतने वाली पहली बनी भारतीय महिला। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज, आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रेसलर अंकित बैनपुरिया के साथ स्वच्छता अभियान में शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने इससे जुड़ा वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा किया। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संदेश में लिखा कि आज जब देश स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, अंकित बैनपुरिया और मैंने भी ऐसा ही किया। केवल स्वच्छता से परे हमने मिश्रण में फिटनेस और कल्याण को भी शामिल किया। ये सब स्वच्छ और स्वस्थ भारत की भावना के बारे में है। राम राम अंकित, आज हम तुझसे कुछ सीखेंगे। फिटनेस के लिए आप इतनी मेहनत करते हैं, उसमें ये स्वच्छता अभियान कैसे मदद करेगा? वातावरण को स्वस्थ रखना तो हमारा कर्तव्य है, वो स्वस्थ तभी हम स्वस्थ हैं। हमारे सोनीपत में गांवों में कैसा है, लोगों का स्वच्छता में विश्वास कैसा है? अब थोड़ा ज्यादा ध्यान दे रहे हैं स्वच्छता की तरफ। हाँ, फिजिकल एक्टिविटी के लिए कितना समय देते हैं? सर दिन में 4 से 5 घंटे। आपको भी देख के थोड़ा सा मोटिवेट होते हैं कि आप भी इतनी एक्सरसाइज करते हो। मैं ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करता, लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी में जितना चाहिए, लेकिन मैं डिसिप्लिन फॉलो करता हूँ। दो चीज़ों में मेरा अभी डिसिप्लिन नहीं आ रहा। एक खाने का टाइमिंग, और दूसरा सोने के लिए थोड़ा माँ देश को सुलाने के लिए आपको जागना पड़ता है। आपने जो सोशल मीडिया का जी सर कैसे पॉजिटिव उपयोग होता है जी सर, ये परफेक्ट एग्जांपल आपने दिया है। और मैंने देखा है कि आपके कारण काफी नौजवान भी जो है
जो बड़ी बड़ी जिम में जाने वाले लोग थे ये भी अब तो आप पर एक चीज़ों को फॉलो करते हैं। एक बार एक सोशल मीडिया पोस्ट देखा था, किसी बच्ची ने मेरी माँ का जिम ऐसा करके वीडियो रखा था और उसमें मेरी माँ सुबह से शाम जो काम कर रही है, चक्की चलाती है वो भी उसका जिम है, कपड़े धोती है वो भी उसका जिम है, इतना इफेक्टिव बना है। अब आपसे मिलने का सपना था वो पूरा हो गया देख लो सर। G20 वाला सम्मेलन देखा, मतलब वो व्यवस्था देख कर, मतलब वो सब इंडिया में होते हुए देख कर, मतलब हर भारतीय ने बहुत गर्व हुआ इस चीज़ पे कि भाई आपने देखा होगा। हाँ जी, जो भारत मंडपम बना है जी, जी उसमें भी एक पूरा दीवार जी हमने योगा का बनाया देखा, और वहाँ भी QR कोड लगाया है कि कोई उसको मोबाइल पे ले लेगा तो उसको उस आसन का जी क्या फायदा होता है, कैसे कर रहा है, उसका पूरा डिटेल मिल जाता है। और आपने जो स्पोर्ट्स के लिए किया है, अगर मैं खुद स्पोर्ट्स पर्सन था, इंजरी के मारे थोड़ा सा दूर हूँ स्पोर्ट्स से, पर मतलब देख क्या करते कि आप जब मेडल आया था खुद पर्सनली फ़ोन करया करते प्लेयर के पास, और आपने फिट इंडिया जैसी मुहिम चलाई खेलो इंडिया, तो उससे खिलाड़ियों ने बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन मिलने लग रहा है। आपका जो 75 डेज चैलेंज है उसमें क्या करते हैं? उसमें 5 रूल फॉलो करने आ गए हैं। एक तो 2 टाइम वर्कआउट हो, उसमें 2 टाइम होना चाहिए। हाँ 2 टाइम होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए, एक इंडोर हो एक आउटडोर हो, दोनों आउटडोर हो तो जब भी कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा 4 लीटर पानी, एक बुक पढ़नी है 10 पेज कोई भी बुक हो उसमें मैं अपनी पुराण पढ़ने लग रहा हूँ। अच्छा, पहले श्रीमद भागवत गीता पढ़ी थी, इब शिव पुराण पढ़ने लग रहा। और चौथा रूल है उसका स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करनी है। और चौथा बनी एक सेल्फी लेनी है, प्रोग्रेस ट्रैक करनी थी। ये अच्छा है, इसके लिए एक स्वच्छता का संदेश, क्योंकि मैंने देखा है कि धीरे धीरे देश में स्वच्छता के लिए सबकी रुचि बन रही है। परिवार में छोटे बच्चे भी अपने दादा को कहते हैं गंदा मत करो, एक अच्छा वातावरण से भी। चलिए अंकित, बहुत बढ़िया काम कर रहे हो आप बहुत आगे बढ़िए। और महात्मा गांधी की 154वीं जयंती से पहले देश भर में आज स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। कई केंद्रीय मंत्री और राज्यों के CM इस अभियान के तहत सड़कों पर उतरे हैं और स्वच्छता अभियान में अपना सहयोग दे रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के अहमदाबाद में स्वच्छता अभियान में हिस्सा लिया। यहाँ पर गृह मंत्री कई भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ नजर आए। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे बोर्ड और उत्तर रेलवे के अधिकारियों के साथ स्वच्छता अभियान कार्यक्रम में भाग लिया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि वंदे भारत ट्रेन के लिए 14 मिनट का क्लीन अप प्रोटोकॉल तैयार किया गया है। आज 35 जगहों पर इसकी शुरुआत होगी और फिर बाद में इसे आगे बढ़ाया जाएगा। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी समेत कई नेताओं ने स्वच्छता अभियान के तहत सफाई की। भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने पटना में स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत आयोजित सफाई अभियान में हिस्सा लिया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अपने संसदीय क्षेत्र कोटा बूंदी में स्वच्छता पखवाड़े के तहत श्रमदान किया। ओम बिरला ने उनके साथ केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी मौजूद रहे और इसके अलावा भी कई गणमान्य लोग मौजूद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर आज देश भर में लोग बड़े स्वच्छता अभियान में हिस्सा ले रहे हैं। उन्होंने महात्मा गांधी की जयंती की पूर्व संध्या पर उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए नागरिकों से आज सुबह 10 बजे स्वच्छता अभियान के लिए 1 घंटे का श्रमदान करने की अपील की है। पिछले मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने स्वच्छता ही सेवा अभियान के महत्व पर प्रकाश डाला और लोगों से आज एक मेगा स्वच्छता अभियान के लिए हाथ मिलाने और समय निकालने का आग्रह किया। जीवन के सभी क्षेत्रों के नागरिक बाजार स्थानों, रेलवे पटरियों, जल निकायों, पर्यटन स्थलों और पूजा स्थलों सहित सार्वजनिक स्थानों पर सफाई गतिविधियों में भाग ले रहे हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा और केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने स्वच्छता अभियान में भाग लिया और सड़कों की सफाई की। JP नड्डा ने कहा कि भाजपा प्रधानमंत्री मोदी के निवेदन पर स्वच्छता पखवाड़ा और सेवा पखवाड़ा मना रही है। कल गांधी जयंती है, प्रधानमंत्री जी ने लाल किले के प्राचीर से स्वच्छता का आह्वान किया और उस स्वच्छता के अभियान पर भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ता और करोड़ों भारत की जनता
इसमें अपना योगदान कर रही है। आज देश भर में हमारे लाखों कार्यकर्ता स्वच्छता अभियान के तहत श्रमदान कर रहे हैं और एक जन आंदोलन बनाते हुए जन जागरण का कार्यक्रम इस स्वच्छता अभियान के माध्यम से चल रहा है। स्वच्छता का संदेश कि जो गांधी जी ने आज़ादी से पहले शुरू किया और हमारे संस्कार स्वच्छता के संस्कार हैं, हड़प्पन सभ्यता से लेकर बाद तक का समय प्रधानमंत्री मोदी जी ने लगातार 2015 से प्रयास करके स्वच्छ भारत अभियान को शुरू किया। बदलाव हमें दिख रहा है लेकिन अधिक से अधिक लोग स्वच्छता के प्रति जागरूक हों, प्लास्टिक के कूड़े को अलग करें, प्लास्टिक इस्तेमाल ना करें और अगर करें तो उसको अलग फेंकें और साथ में जो गीला कूड़ा है उसको अलग करें, उसकी कंपोस्टिंग हो, जो मेटल वेस्ट है उसको अलग रिसाइकलिंग में डाला जाए, तो ये पूरी व्यवस्थाओं को ठीक करने का प्रयास है। और केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने हमीरपुर में स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत कई लोगों के साथ स्वच्छता की शपथ ली। महिलाओं की मृत्यु या बच्चों की मृत्यु केवल गंदगी के कारण होती थी, जो बीमारियां उनको लगती थी। जब से स्वच्छता अभियान चला है और नरेंद्र मोदी जी ने वो कर दिखाया जो 70 साल में शौचालय नहीं बन पाए थे, मात्र 3 साल के अंदर 12 करोड़ शौचालय देश की बहनों और गरीब परिवारों को बनाकर दे दिए, आज वो बहनों का जीवन बचाने का कार्य भी हुआ। स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रमों की श्रृंखला में एक घंटा एक तारीख 1 अक्टूबर अभियान में भागीदार बनते हुए केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कॉपरनिकस मार्ग के प्रिंसेस पार्क इलाके में स्वच्छता अभियान में हिस्सा लिया। मंत्रालय के अधिकारियों के साथ केंद्रीय मंत्री ने अभियान को आगे बढ़ाते हुए 1 घंटे तक नालियों की सफाई की, साथ ही अभियान में साथ देने आए स्कूली बच्चों से भी मुलाकात की। सफाई के इस महाअभियान में NDMC के कर्मचारी भी शामिल रहे। अभियान पर बोलते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हमें कचरा मुक्त प्लास्टिक भारत बनाने के लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ना है। 2014 में जब मोदी जी ने दायित्व संभाला तो हमारे यहाँ जो वेस्ट होती है, कचरा होता है, इसकी प्रोसेसिंग रीप्रोसेसिंग सिर्फ 15% होती थी। इसका मतलब यह है कि अगर 100 टन कूड़ा हम बनाते हैं बनता है तो उसमें सिर्फ 15 टन जो है वो प्रोसेस होता है। तो 2014 से लेके आज तक वो 15-16% से लेके आज 76% होता है। और दूसरा, ये जो लेगेसी डंप साइट्स हैं बड़े बड़े, जैसे गाजीपुर में वो डंप साइट है कचरे की, उसकी बायो रिमीडिएशन जो भी है वो भी हम 2 साल में पूरी कर लेंगे। जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने उस समय कहा था कि ओपन डेफिकेशन फ्री, अब हम गार्बेज फ्री सिटीज बनाने जा रहे हैं। और वहीं केंद्रीय मंत्री का साथ देने आए NDMC के उपाध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने कहा कि प्रधानमंत्री के आह्वान का असर है कि देश में 9 लाख से अधिक स्थानों पर स्वच्छता मुहिम चल रही है। आज लगभग 9 लाख से ज़्यादा जगहों पर एक साथ श्रमदान हो रहा है। आप देश में जहाँ भी जाएंगे, किसी भी कोने में जाएंगे, आपको लोग श्रमदान करते मिलेंगे और वास्तव में अपने भारत को स्वच्छ करने के लिए, स्वच्छता मिशन के लिए देशवासियों द्वारा चलाया गया, मुझे लगता है प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो ये अभियान चला है शायद सबसे बड़ा अभियान स्वच्छता के लिए होगा। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने स्वच्छता पखवाड़ा में भाग लेते हुए जम्मू के कठुआ के विद्या भारती संस्थान में श्रमदान किया। हमारे संवाददाता से बात करते हुए उन्होंने कहा कि स्वच्छता अभियान जैसे अभियानों के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय विकास के बुनियादी क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया है जिन्हें पिछली सरकार नजरअंदाज कर रही थी। प्रधानमंत्री बनने के तुरंत बाद सन 2014 में जो उनका पहला भाषण था स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले के परिसर से, उसमें उन्होंने स्वच्छता का भी आह्वान किया था। बहुत सारे लोग चकित रह गए कि साहब प्रधानमंत्री स्वच्छता की बात करते लाल किले से खड़े होकर, लेकिन अब 8-10 वर्ष गुजर जाने के बाद हमें समझ आया कि जो मौलिक विषय हैं, जो एक राष्ट्र के स्वास्थ्य और राष्ट्र के विकास के लिए एक नींव का काम करते हैं, उन विषयों को प्राथमिकता देने का काम मोदी जी ने किया जो शायद पहली सरकारें करने से चूक कर गई थी।
और भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने स्वच्छता अभियान में भाग लिया और सड़कों की सफाई की। कहा कि ये एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है। लखनऊ में उत्तर प्रदेश भाजपा चीफ भूपेंद्र सिंह चौधरी ने कचरा मुक्त भारत स्वच्छ भारत अभियान के तहत सफाई अभियान में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तेलंगाना के एक दिवसीय दौरे पर रहेंगे, जहां पीएम मोदी महबूबनगर जिले में एक सार्वजनिक सभा को संबोधित करेंगे और इस दौरान वे सड़क, रेल, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, उच्च शिक्षा जैसे क्षेत्रों से जुड़ी 13,500 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और देश को समर्पित करेंगे। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक ट्रेन सेवा को भी हरी झंडी दिखाएंगे। पीएम मोदी जिन परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे उसमें नागपुर विजयवाड़ा आर्थिक गलियारे का हिस्सा है। इसमें वारंगल से NH-163G के खंड तक 108 किलोमीटर लंबा 4 लेन एक्सेस नियंत्रित ग्रीनफील्ड राजमार्ग और 90 किलोमीटर लंबा 4 लेन शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को तेलंगाना के एक दिवसीय दौरे पर रहेंगे, जहां पीएम मोदी महबूबनगर जिले में एक सार्वजनिक सभा को संबोधित करेंगे और इस दौरान वे सड़क, रेल, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, उच्च शिक्षा जैसे क्षेत्रों से जुड़ी 13,500 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और देश को समर्पित करेंगे। कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक ट्रेन सेवा को भी हरी झंडी दिखाएंगे। पीएम मोदी जिन परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे उसमें नागपुर विजयवाड़ा आर्थिक गलियारा का हिस्सा है। इसमें वारंगल से NH-163G के खम्भखंड तक 108 किलोमीटर लंबी 4 लेन एक्सेस नियंत्रित ग्रीनफील्ड राजमार्ग और 90 किलोमीटर लंबा 4 लेन शामिल है। पीएम मोदी NH-365BB के 59 किलोमीटर लंबे सूर्यापेट से खम्भखंड की 4 लेन सड़क परियोजना को भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। करीब 2460 करोड़ की लागत से बनने वाली ये परियोजना हैदराबाद विशाखापट्टनम गलियारा का हिस्सा है, जिसे भारतमाला परियोजना के अंतर्गत बनाया जा रहा है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, तेलंगाना में अलग अलग डेवलपमेंटल एक्टिविटी को और वेलफेयर एक्टिविटी को प्रोजेक्ट्स को फाउंडेशन स्टोन डालना डेडिकेट करने के लिए अक्टूबर 1 को तेलंगाना जो महबूबनगर डिस्ट्रिक्ट में आ रहे हैं, उस दिन लगभग 17,000 करोड़ से ज्यादा जो अलग अलग प्रोजेक्ट्स का आदरणीय प्रधानमंत्री जी उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी हसन चेरला पल्ली LPG पाइपलाइन परियोजना भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। करीब 2,170 करोड़ रुपए की लागत से बनी कर्नाटक के हसन से चेरला पल्ली तक LPG पाइपलाइन क्षेत्र में LPG परिवहन और वितरण का एक सुरक्षित, लागत प्रभावी और पर्यावरण अनुकूल उपाय उपलब्ध कराएगी। पीएम मोदी कृष्णापट्टनम से हैदराबाद तक भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की बहु उत्पाद पेट्रोलियम पाइपलाइन की आधारशिला भी रखेंगे। एक बड़ा जो नेशनल थर्मल पावर प्रोजेक्ट जो है NTPC का लगभग 800 मेगावाट्स का प्रोजेक्ट्स को तेलंगाना जनता को, देश के जनता को डेडिकेट करने वाले है। लगभग 6,000 करोड़ खर्च करके NTPC का प्रोजेक्ट्स पूरा किया है। पीएम मोदी हैदराबाद विश्वविद्यालय की 5 नई इमारतों का भी उद्घाटन करेंगे। हैदराबाद विश्वविद्यालय के बुनियादी ढांचे का विकास छात्रों और शिक्षकों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तेलंगाना दौरा अपने आप में बेहद खास है। एक तरफ जहां प्रधानमंत्री 13,000 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास और राष्ट्र को समर्पित करेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे, जिससे तेलंगाना के निवासियों में बेहद उत्साह देखा जा रहा है। सहयोगी निश्चल कैमरामैन राधे कृष्ण के साथ में उर्मिलेश भट्ट, DD News, महबूबनगर, तेलंगाना।
राजनाथ सिंह ने आज रक्षा लेखा विभाग के 276वें स्थापना दिवस पर नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया। रक्षा मंत्री ने कहा कि रक्षा क्षेत्र के पास सीमित मात्रा में संसाधन उपलब्ध हैं, इसलिए आज उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम उपयोग करना जरूरी है। लेकिन हमारे पास जो उपलब्ध संसाधन है, जो भी रिसोर्सेज हमारे पास होते हैं, वह बहुत ही सीमित मात्रा में है। ऐसे में हमें सीमित संसाधनों का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करके उससे ऑप्टिमम आउटपुट निकालने की कोशिश करनी पड़ती है। और आप डिफेंस सेक्टर में हमारे पास उपलब्ध संसाधनों का जिस प्रकार से ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन इंश्योर कर रहे हैं, क्योंकि रिसोर्सेज का, हमारे यहां जो भी रिसोर्सेज उपलब्ध हैं, उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन इंश्योर करने का काम यदि कोई कर रहा है तो आप कर रहे हैं, और इस काम के लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं, और आपके इस काम के प्रति मैं अपनी प्रसन्नता का भी इजहार करता हूं। रक्षा मंत्री ने कहा कि विकसित राष्ट्र के लिए अधिक सशक्त सैन्य बल की जरूरत होगी, इसके लिए वित्तीय संसाधनों का सही तरीके से उपयोग करना जरूरी है। एडी आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। अभी कुछ दिन पहले एक स्वाधीन राष्ट्र के रूप में भारत ने भी अपना 76वां वर्ष पूरा किया है। आप सब तो जानते हैं कि यह जो कालखंड है, यह कोई साधारण कालखंड नहीं है, यह काल अमृत काल है। प्रधानमंत्री जी ने इसका नामकरण दिया है अमृत काल का, और इस अमृत काल की समाप्ति तक भारत जब अपना 100वां स्वाधीनता दिवस मना रहा होगा और आपका विभाग 300 वर्ष पूरे कर रहा होगा, उस समय यानी 2047 तक हमने भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखा है। अब स्वाभाविक है कि यदि हम एक विकसित राष्ट्र बनाएंगे तो हमारे पास आज की स्थिति से भी कहीं अधिक सशक्त आर्म फोर्सेस की जरूरत होगी, और हमारी फोर्सेस के पास आधुनिक आर्म्स एंड इक्विपमेंट तो होने ही चाहिए। और इसके लिए आवश्यक है कि हमारे पास जो उपलब्ध फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं उनको अच्छी तरीके से उनका यूटिलाइजेशन हो। और राजस्थान में विधानसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने के लिए चुनाव आयोग की उच्च स्तरीय टीम पिछले 3 दिनों से जयपुर दौरे पर है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने आज जयपुर के मैरियट होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अपने दौरे के बारे में कई अहम जानकारियां साझा की। इसके साथ ही उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव में जनता को दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में भी विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध है। इलेक्शन ट्रांसपेरेंट तरीके से हो, पहला काम आयोग ये सुनिश्चित करे। फॉल्स एविडेविट अगर किसी कैंडिडेट के द्वारा दिया जाए तो उस पर कार्रवाई हो। पैरामिलिट्री फोर्सेस का क्रिटिकल पोलिंग स्टेशंस में डिप्लॉयमेंट किया जाए। कास्ट रिलेटेड नंबर्स कुछ मीडिया में और कुछ जगह में प्रोजेक्ट किए जाते हैं जो कि अनफाउंडेड होते हैं, उन पर कार्रवाई की जाए। पोलिंग स्टेशंस का रेशनलाइजेशन या शिफ्टिंग राजनीतिक कारणों से ना हो। जो ऑफिशियल्स को ट्रांसफ़र किया गया है, जो 3 वर्ष की समय पूरा कर चुके हैं, उन्हें वापस सर्कमवेंट करते हुए नियमों को उसी जगह में डेपुटेशन पे या किसी तरीके से अटैच करके इलेक्शन रिलेटेड ड्यूटी ना दी जाए। और वहीं मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि इस विधानसभा चुनाव में वोटर्स पहली बार घर बैठे वोट डाल सकेंगे, इसके लिए खास इंतजाम किए गए हैं। राजस्थान में ऐसा पहली बार होने जा रहा है। मतदाताओं की फाइनल लिस्ट भी 4 अक्टूबर को जारी कर दी जाएगी। फर्स्ट टाइम इन दी असेंबली इलेक्शंस ऑफ राजस्थान विल बी कमीशन हैज स्टार्टेड द फैसिलिटी फ्रॉम फॉर वोटिंग फ्रॉम होम। तो जो हमारे 80% से ज़्यादा उम्र के वृद्ध मतदाता हैं, जिनकी संख्या 11.8 लाख है, और जो 100% से अधिक, जिसमें 18,400 शामिल हैं, उनको फॉर्म 12D भरने की सुविधा है। जब भी नोटिफिकेशन जारी होगा उसके 5 दिन के अंदर, अगर कोई बीमार है, किसी कारण से नहीं आ सकता, तो उसके लिए घर से वोट देने की सुविधा राजस्थान में पहली बार मिलेगी। और पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, जो उनको 40% से ज्यादा डिसेबिलिटी है, उनको भी ये बोलता है।
और वहीं 19वें एशियाई खेलों में भारतीय खिलाड़ियों का पदक जीतने का सिलसिला लगातार जारी है। महिला गोल्फ में अदिति अशोक ने व्यक्तिगत वर्ग में रजत पदक जीतने में सफलता पाई। उन्होंने पहले राउंड से ही बढ़त हासिल कर ली थी, हालांकि आज अंतिम राउंड में वो अपनी बढ़त को बरकरार नहीं रख पाई। इसी के साथ वो एशियाई खेलों में गोल्फ में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला गोल्फर बन गई हैं। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। से हटकर हम लेकर आते हैं आपके लिए सार्थक, सकारात्मक और प्रेरणादायी खबरें। खबरें सिर्फ हाथ से नहीं होते, खबरें अच्छी भी होती हैं, जो देती हैं हौसला, बढ़ाती हैं आत्मविश्वास। मुश्किल वक्त में भी जब लोगों ने दिखाया कुछ कर गुजरने का जज्बा, हम लेकर आते हैं अपने इस खास कार्यक्रम में आम लोगों के जज्बे की कहानियाँ। देखिए मेरे साथ गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। चाय